आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वैदिक ऊर्जा में। आज इस वीडियो में बात करेंगे दिसंबर के पहले दिन की। नया महीना शुरू हो रहा है, नई उम्मीदें, नया उत्साह, नई उमंग शुरू हो रही है, नया साल भी शुरू होने वाला है। तो चलिए अभी बात करते हैं दिसंबर के पहले दिन की कि क्या खास लेकर आएगा ये दिसंबर का पहला दिन आप लोगों के लिए। आज हम यही बात करेंगे। चलिए पहले बात करते हैं पंचांग की। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 7:15 बजे तक रात को रहेगी, उसके बाद षष्ठी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र सुबह 9:41 तक रहेगा, उसके बाद श्रवण नक्षत्र की शुरुआत होगी। चलिए अब आगे देखते हैं राहु काल को। राहु काल का समय वो समय होता है जब आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, आपको सभी शुभ कार्यों को वर्जित करना चाहिए। ये समय है शाम को 4:05 से लेकर 5:24 तक का समय। इस समय पर आप कोई भी शुभ कार्य ना करें, कोई मुहूर्त ना करें। अब बात करते हैं अभिजीत मुहूर्त की। अभिजीत मुहूर्त वो समय है जब आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, आपको अलग से कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं रहती। ये समय है दोपहर को 11:50 से लेकर 12:30 तक का समय। इस समय पर आप अपना कोई भी शुभ कार्य करें, कोई मनाही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं दिशाशूल को। दिशाशूल में आप लोगों को उस दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए जहां पर दिशाशूल होता है। ये जो दिशाशूल है इस दिन पश्चिम दिशा की तरफ रहेगा। अगर पश्चिम दिशा की यात्रा को आप अवॉइड नहीं कर सकते तो एक छोटा सा उपाय आपको करके घर से निकलना चाहिए। इससे दिशाशूल का जो आपको इफेक्ट मिलने वाला है वो नहीं मिलता और आपकी यात्रा सुखमय होती है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आप घर से निकलते हुए थोड़ा सा पान खाकर निकलें। अगर आपके पास पान अवेलेबल नहीं है तो आप थोड़ा सा घी खाकर, देसी घी खाकर भी निकल सकते हैं। ऐसा करने से भी दिशाशूल का प्रभाव आपको नहीं मिलेगा, आपकी यात्रा बहुत सुखमय होगी। चलिए अब बात करते हैं राशिफल की। आज हम यहाँ पर बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए ये दिन थोड़ा सा सावधानी भरा है। आप लोगों को इस दिन मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। धैर्य बनाए रखें, किसी भी बात को लेकर ज़्यादा चिंता ना करें। आज के दिन आप अपने सामान का ध्यान रखें। सामान चोरी होने का भय आपको हो सकता है, उसकी भी टेंशन हो सकती है। अगर यात्रा करते हैं तो यात्रा पर जाते हुए भी सामान का ध्यान रखें। आप लोगों को इसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, इस चीज़ को। यात्रा पर जाते हुए सतर्क रहें और किसी भी तरह की यात्रा पर जाते हुए वाहन भी ध्यानपूर्वक चलाएं, इसको भी आप लोगों को अवॉइड नहीं करना है। ये समय जो है बेहतर परिणाम पाने के लिए आप लोगों को थोड़ा सतर्क रहना होगा। आज के दिन आप लोगों के खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देंगे, खर्चों पर नियंत्रण करके चलें। आज के दिन ना ही किसी को पैसे दें, ना किसी से पैसे लें, किसी भी तरह का लोन लेने से बचें। अगर आप इस समय पर लोन लेंगे तो मुश्किल बढ़ जाएगी, आप लोग अपना ये लोन जो है वो ये कर्जा जो है उतार नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप अपनी भावनाओं में बहकर कोई भी लोन ना लें और ना ही किसी प्रकार का पैसा किसी से उधार लें, इस बात का भी खास ध्यान रखें। आज का ये दिन उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जो विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं या विदेशों से पैसा कमा रहे हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर सकता है। आज के दिन फॉरेन से रिलेटेड अगर आप कोई भी फैसला लेना चाहते हैं तो ये दिन आपका है, आप बिल्कुल ले सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। अगर आप बाहर एजुकेशन ले रहे हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, आपने पहले से अप्लाई किया है तो ये दिन आपको कोई ना कोई खुशखबरी सुना सकता है। आज के दिन आप लोगों को सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। सेहत को लेकर भी आपको छोटी मोटी चिंताएं बनी रहेंगी, सेहत को लेकर आप परेशान रह सकते हैं। ध्यान रखें, पेट की प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है, किसी भी तरह के खाने पीने की चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखें। ऐसा करने से आपकी पेट की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक हल हो जाएंगी। अगर आप खाने पीने का ध्यान नहीं करेंगे, बाहर की चीज़ें खाएंगे तो मुश्किल हो सकती है। स्टूडेंट्स को भी आज के दिन, विद्यार्थियों को भी आज के दिन थोड़ा सतर्क रहकर चलना होगा। उनको भी डिस्ट्रैक्शन महसूस हो सकती है, काम करने का, पढ़ने का उनका दिल नहीं करेगा, फोकस और कंसंट्रेशन में कमी देखी जा सकती है। तो ये दिन आप जैसे तैसे निकाल लें, आने वाले दिन आपके लिए बेहतर परिणाम लेकर आएंगे। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं, क्या आपको उपाय करना चाहिए ताकि दिन आपको बेहतर परिणाम दे सके। सूर्य की राशि है, सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं और रविवार का दिन है। सूर्य को आप जल अर्पित करें और इसके साथ साथ सूर्य नमस्कार ज़रूर करें। सूर्य नमस्कार करने से आप लोगों का तेज बढ़ेगा, आप ऊर्जावान नज़र आएंगे, सूर्य आपको आशीर्वाद देंगे। तो इसलिए अगर आप जल अर्पित कर सकते हैं तो वो करें, और अगर आप जल अर्पित नहीं कर सकते तो सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करें और सुबह की किरणों में, यानी
करें कि जब सूर्य उदय होता है उन किरणों में 5 मिनट जरूर बिताएं। तो इस प्रकार से ये था हमारा राशिफल सिंह राशि के लिए। अगर राशिफल अच्छा लगा हो तो आप शेयर ज़रूर करें, आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।